राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में भक्तों का उमड़ा सैलाब। करौली एवं दोस्ती जिले के मध्य में प्रसिद्ध स्थान श्री मेहंदीपुर बालाजी विराजमान है। बालाजी मंदिर के दर्शन करने के लिए यात्रियों की मंगलवार और शनिवार को अक्सर काफी ज्यादा संख्या में तादाद लगती है। श्री बालाजी महाराज की समाधि पर भक्त पहुँच कर जलेबी एवं धूप दीप का दान करते हैं एवं भस्म लेकर जाया करते हैं। बालाजी महाराज के यहाँ सवा मड़ी करने वाले एवं अर्जी भी लगाई जाती है, जिसे श्री बालाजी महाराज के महंत श्री किशोरपुरी महाराज की देखरेख में ही किया जाता है। बालाजी महाराज के दर्शन के लिए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं स्थानीय प्रांत राजस्थान जैसे राज्यों से भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। सुबह एवं शाम को जब भी आरती होती है, भक्तों की भीड़ इतनी हो जाती है कि 1 से 2 घंटे के लिए आम जन एवं श्रद्धालुओं के निकलने की व्यवस्था बिल्कुल ही बंद हो जाती है। आरती होने के बाद भक्तों द्वारा समाधि पर जाकर जलेबी का प्रसाद चढ़ाया जाता है एवं मन्नत पूरी करने के लिए प्रार्थना की जाती है। मंगलवार और शनिवार को मंदिर परिसर क्षेत्र में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बचती है। मेहंदीपुर बालाजी में बड़े बड़े संकटों का निवारण होता है। यह स्थान दौसा नेशनल हाईवे NH 11 से महज 1 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। श्रद्धालु 56 भोग का प्रसाद पाने के लिए 2 से 4 घंटों तक लाइन लगाते हैं और जय श्री राम के जयकारों के साथ खड़े रहते हैं। TV1 India News के लिए रमाकांत जैमिनी की रिपोर्ट, मेहंदीपुर, राजस्थान। राजस्थान के मनोहरपुर में सरेआम उड़ रही हैं स्वस्थ भारत अभियान की धज्जियां। गंदगी को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। मनोहरपुर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत नवलपुरा के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत बालिका विद्यालय के सामने नालियों में कचरा एवं दुर्गंध युक्त पानी भरा रहता है, जिस कारण अनेक प्रकार की मौसमी बीमारियां होने लगी हैं। विद्यालय गेट के सामने लिखा हुआ है, खुशहाली के फूल खिलाएं और निर्मल ग्राम बनाएं, परंतु ऐसा कुछ भी यहां देखने को नहीं मिल रहा है। यहां इसके विरुद्ध कार्य हो रहा है और फूल खिलने के बजाय यहां कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। TV1 India News के लिए संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट, मनोहरपुर। खबर राजस्थान के डीग से, जहां ब्रज विभूति संत स्वामी सरदानंद महाराज के नेतृत्व में श्री कृष्ण लीला स्थली वृंदावन से ब्रज 84 कोस पदयात्रा बुधवार को जल महलों की नगरी डीग पहुंची, जहां लोगों ने रास्ते में दरी पट्टियां बिछाकर और पुष्प वर्षा कर पदयात्रियों का स्वागत किया। गुरु सरनानंद महाराज के पद प्रक्षालन कर आगवानी की गई एवं पदयात्रियों ने यहां मंदिरों के दर्शन कर जल महलों में भी भ्रमण किया। पदयात्रा में देश के कोने कोने से आए करीब 600 यात्री शामिल थे, जिन्होंने आकर डीग में सभी मंदिरों के दर्शन भी किए। TV1 India News के लिए सुभाष शास्त्री की रिपोर्ट, डीग, राजस्थान। राजस्थान के डीग में स्थानीय तहसील में कार्यरत श्रीमती इंद्रावती के निवास पर 19 नवंबर को घर में घुसकर हथियार के नोक पर लूटपाट हुई थी। आदि नाक का सकारात्मक कानूनी कार्यवाही न किए जाने पर पटवार संघ द्वारा बैठक आयोजित कर उप जिला कलेक्ट्रेट डीग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कार्रवाई को जल्द से जल्द करवाने की मांग हुई है और ऐसा न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। TV1 India News के लिए सुभाष शास्त्री की रिपोर्ट, भरतपुर।